दोस्तों बाबर आजम ने रातारात ही कर दिया एक सिक्सर किंग का एंट्री। ये दोस्तों सेकेंड T20 आई सीरीज में बुरा तरीके से हारने के बाद यहाँ पर एक युवा सिक्सर किंग का रातों रात ही कर दिया एंट्री, जो तीसरा T20 सीरीज में आपको नजर आएगा। तो क्या है उस खिलाड़ी का नाम और उस खिलाड़ी कहाँ से, क्या खिलाड़ी है, कैसा खेलता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी यहाँ पर पाकिस्तान टीम के एक जबरा फैन हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर सेकेंड T20 सीरीज में आपको तो पता होगा यहाँ पर पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच सेकेंड T20 सीरीज पाकिस्तान टीम यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरफ से फ्लॉप रह चुका है। जहाँ पर यहाँ पर 160 रन पर ऑल आउट हो गया था, जिस वजह से इंग्लैंड टीम ने 23 रनों से एक बहुत ही बड़ा जीत प्राप्त किया है, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पूरा तरीके से भड़क उठा है और यहाँ पर बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिस वजह से बाबर आजम यहाँ पर एक धाकर खिलाड़ी का एंट्री किया है, जो बताया जा रहा है सैम आइव का जगह पर इस खिलाड़ी को खिलाएगा। वो है आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ पर जिस खिलाड़ी का नाम है इफरान खान। ये दोस्तों इफरान खान ऑलराउंडर एक खिलाड़ी है, अपना घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी मैच को जिताने के लिए कुछ भी करता है। ये गेंदबाजी बल्लेबाजी से दोनों तरफ से एक अच्छा प्रदर्शन और अच्छा एक विस्फोटक पारी खेलता है, सामने वाला जो टीम है उनको मौका ही नहीं देता है जीतने का, जिस वजह से इफरान खान को खिलाने का अभी बातचीत चल रहा है और खिलाया भी जाएगा जरूर। पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम रातों रात ही इस खिलाड़ी का करवा दिया है एंट्री और यहाँ पर सैम आइव का जगह पर इफरान खान को खिलाया जाएगा। तो दोस्तों आप बंदों की क्या रहे, जो फैसला लिया है बाबर आजम इफरान खान को खिलाएगा यहाँ पर सैम आयुब का जगह पर, क्या सही फैसला है या गलत, आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट पर। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए।